प्यारे बच्चों, आप सबों को जेशु। आप सब कैसे हो? आप लोगों ने क्रिसमस कैसे मनाया? चलो हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और छोटी सी प्रार्थना के द्वारा इस विश्वास प्रशिक्षण की क्लास को शुरू करें। हे प्यारे यीशु, आप दयालु, क्षमाशील और प्रेमी गुरु हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। आज के इस सेशन में हम प्रेम, दया, समानता और क्षमा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम सबों को आशीर्वाद दे प्रभु, जिससे हम इस पाठ को समझकर हमारे जीवन में इन शिक्षा को लागू करें और एक अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जिए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमेन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 13 पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा अध्याय प्यारे बच्चों? 13। इसका शीर्षक क्या है? इस राज्य की प्राप्ति के मार्ग, मतलब इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कौन से मार्ग हैं, कौन से तरीके हैं और कौन से गुण हैं जिसके द्वारा हम इस राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप में से कितने लोग और कितने बच्चे इस राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं? कितने बच्चे प्रेम और दया से अपना जीवन जीना चाहते हैं? आप में से कितने बच्चे शांति के दूत बनना चाहते हैं? आप सोचते रहना बच्चों और बताना, अपने मम्मी पापा को बताना कि मम्मी पापा, मैं शांति का दूत बनना चाहता हूँ, मैं दयालुता का जीवन जीना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज मैं कुछ घटनाओं के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि इन बच्चों ने किस प्रकार से ईश्वर के मूल्यों को अपने जीवन में अभ्यास किया और इस राज्य को प्राप्त किया। एक मोहन बहुत गरीब लड़का था। मोहन के पास फट्टा एक कमीज थी और बहुत ही गरीब, दूसरा कमीज खरीद नहीं सकता था। तब एक दूसरा लड़का रवि, उसके ऊपर दया आती है और उसके अपने जो पैसे थे वो बचाकर उसने मोहन के लिए एक नया कपड़ा खरीदा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर उन्होंने एक गरीब बच्चे के प्रति रवि ने क्या किया? अपनी दयालुता बताई, अपना प्रेम प्रकट किया। और एक दूसरी घटना है, प्रीति और रीना जो आपस में झगड़ा करते हैं। हमारे चौथी पांचवी के बच्चे आपस में खूब झगड़ाते हैं और दूसरे बच्चे आनंद लेते हैं, और मारो और मारो। और यहाँ पर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, प्रिया करके एक छोटी लड़की होती है, उनकी सहेली, वो दोनों को मिलाने का प्रयास करती है, उन दोनों के बीच में शांति का दूत बनती है, मेल मिलाप कराती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रिया ने मेल मिलाप करा के इस राज्य को प्राप्त किया। और तीसरी, एक कुछ स्कूल के बच्चे, सेंट पॉल स्कूल आगरा के बच्चे पिकनिक के लिए जाते और आसपास कुछ गरीब बच्चे थे, भूखे थे, एक भूखा था। और इसमें एक बच्चे रोहिणी करके एक लड़की थी, उसके गरीब इस भूखे के ऊपर दया आती है और वो क्या करते हैं, उसको रोटी देती, खाना खिलाती है। प्यारे बच्चों, रोटी खिलाकर उस भूखे के प्रति, इस गरीब के प्रति रोटी खिलाकर उसने इस राज्य को प्राप्त किया। और फिर एक जॉन करके एक लड़का था, वो भी पांचवी कक्षा में पढ़ता था, वो बहुत मेरे जैसा काला था। कैसा था? काला था और पढ़ाई में बहुत कमज़ोर, कुछ याद नहीं रहता था उसको। तो बच्चे उसको बुद्धू कहते थे, बच्चे उसको कालू, कालिया करके चिढ़ाते थे और ये बहुत ही दुखी रहता था, एक तरफ जाके बैठ जाता था। प्यारे बच्चे, एक बार मॉनिटर को पता चला, क्लास मॉनिटर को पता चला, तो उसने उन साथियों को कहा, ये आप कर रहे गलत कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्लास मॉनिटर ने आगे आकर, याद रखना, क्लास मॉनिटर ने आगे आकर जो बच्चों के बीच में भेदभाव था, जो नफरत थी, जो ईर्ष्या थी, जो ऊंच नीच का भेद था, उसको उसने
दूर कराया। बहुत बड़ी भूमिका थी उस क्लास मॉनिटर की। तो प्यारे बच्चों, उसी प्रकार आज के इस छोटी छोटी कहानियों के द्वारा, छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हम इस राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी किताब का पृष्ठ संख्या 64 में दो तालिका दे रखी है प्यारे बच्चों। क्या दे रखा है? तालिका है। उसमें एक तालिका में आप पेंसिल से लिख सकते हो कि भले कार्य करने के पहले आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न हो रहे थे। शांति का दूत और मेल मिलाप कराने से पहले, या उस गरीब को खाना खिलाने से पहले, या मोहन नाम के लड़के को कपड़ा नया देने से पहले आपके मन में या उनके मन में क्या भाव जाग रहे होंगे। और अगर आप में से कोई करते हैं तो किसी की मदद करने से पहले जो भाव आते हैं उसको कम से कम 4 या 5 भाव लिखना। और दूसरा, भले कार्य करने के बाद, अच्छे कार्य करने के बाद प्यारे बच्चों आप में क्या भाव आते हैं। जिस दिन आपने ये मनन चिंतन कर लिया, जिस समय आपने भले कार्य करने का सोच लिया, करने से पहले कुछ भाव आते हैं और करने के बाद में आपको प्रसन्नता हुई होगी, आपको शांति का अनुभव मिला होगा, आपको साथियों के द्वारा प्रशंसा मिली होगी, गुरुओं के द्वारा प्रशंसा मिली होगी, आपको पुरस्कार मिले होंगे अच्छे और भले कार्य के लिए। तो आप ये अंक ये जो तालिका दे रखा है उसमें आप लिख सकते हो और अपने मन में, अपने कॉपी में लिख सकते हो या अपने मन में भी मनन चिंतन कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, प्रभु येसु ने हम सबको इस राज्य की प्राप्ति के लिए कुछ साधन दिए हैं, मूल आधार और कुछ मूल विशेषताएं दी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, इसमें से जो सबसे पहली मूल विशेषता थी, सबसे पहला जो मूल आधार था, जो साधन है, वो है एक दूसरे को प्रेम कीजिए। क्या करना प्यार है? प्रभु येसु ने कहा एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को प्रेम करो। गरीब को प्रेम करो, जो अनाथ है उसको प्रेम करो, जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रेम करो, अपने से बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं उनसे प्रेम करो, अपने दुश्मन हैं उनसे प्रेम करो। तो प्रभु कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम कीजिए। और प्रभु येसु ने हमको इतना प्रेम किया कि उसने अपने प्राण तक दे दिए। तो हमें भी प्यारे बच्चों एक दूसरे के सुख दुख बांटना है। सुख दुख बांट करके जब हम सुख और दुख एक दूसरे के साथ बांटेंगे तो अपने आप को भूल जाएंगे। जिस प्रकार स्वयं प्रभु येसु ने अपने आप को खो करके जिन लोगों को या हमको प्यार किया उनके लिए सब कुछ त्याग करते हैं, और यही सच्चा प्रेम कहलाता है। सच्चा प्रेम कौन सा होता है प्यारे बच्चों? जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी त्याग करता है, जो एक दूसरे से प्रेम करता है, तभी हम ईश्वर के राज्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और दूसरा प्यारे बच्चों जो मार्ग है, जो साधन है, वो दयालु। प्रभु येसु कहते हैं दयालु बनिए। यहाँ पर हम गरीब को देखकर अगर हमारे मन में दया का भाव उमड़ नहीं पड़ता है या नहीं उड़ता तो हम ख्रिस्त के राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें दयालु बनना है। यहाँ पर हमने रोहिणी, प्रिया, राकेश इन सब घटनाओं के बारे में पढ़ा। दयालु बताए क्या कहते? प्रभु कहते हैं संत मत्ती का अध्याय 5 और पद संख्या 7 में कहता, धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। अगर आप दयालु हो प्यारे बच्चों, अगर आप गरीबों के प्रति दया करते हो, ईश्वर आपको भी दया करेगा। और यहाँ पर आप भूखों के प्रति, बीमारों के प्रति, पीड़ितों के प्रति आपको दया दिखाना है। अगर आप प्यारे बच्चों, आप निर्धन, पीड़ित, शोषित इन बच्चों, इन लोगों के प्रति अपनी दया दिखाओगे तो आप इस राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। अभी से आपको ये प्रयास करना है। अभी अगर हमारे मन में प्रेम की भावना नहीं है, दया की भावना नहीं है, तो हम बड़े होकर प्यारे बच्चों कभी भी अच्छे ख्रिस्तीय नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें अभी से अपने घर में दया के भाव, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कार्यों के द्वारा दूसरों के सम्मुख बताना है। और तीसरा प्यारे बच्चों जो मूल आधार और मूल विशेषता और इस राज्य को प्राप्त करने का साधन है, वो है
न्याय के लिए संघर्ष करना। प्रभु यीशु ने मानव मुक्ति के लिए, गरीबों के लिए, शोषित लोगों के लिए, समाज में कमज़ोर वर्गों के लिए, उनके हित के लिए संघर्ष किया, और यहाँ तक कि उसको फांसी मिली, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन वो संघर्ष करते रहे। प्यारे बच्चों, अगर आपको इस राज्य को प्राप्त करना है, प्रभु यीशु की शिक्षा को अपने जीवन में अभ्यास करना है, तो क्या करना है? न्याय के लिए, न्याय किसके प्रति, किन किन लोगों के लिए? न्याय गरीबों के लिए। और किसके विरुद्ध आवाज़ उठाना है? जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग घूसखोरी लेते हैं, शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं, दहेज मांगते हैं, कन्या शिशु हत्या करते हैं, भेदभाव जाति धर्म के नाम पर करते हैं, ऐसे लोगों के सम्मुख आपको अपनी आवाज़ बुलंद करना है। प्यारे बच्चों, अभी से छोटे बच्चे अगर कुछ गलत हो रहा है अपने दोस्त के प्रति, ये अपने, मैंने आपको जॉन की घटना बताई थी, मॉनिटर ने जॉन को किस प्रकार से अपनी कक्षा में जो लोग उसके प्रति भेदभाव कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, वो मॉनिटर ने उसको बचाया और संघर्ष किया, एक अपनी आवाज़ उठाई। और प्यारे बच्चों, हमको भी ऐसा ही करना है, न्याय के लिए संघर्ष करना है, तभी हम इस राज्य को प्राप्त कर पाएंगे। और यह हमारे आराध्य, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने स्वयं हमें यह साधन, यह मार्ग, यह रास्ता दिखाया है। और अगला पॉइंट प्यारे बच्चों क्या है? मित्र भाव से जीवन जीना। हम सबको प्यारे बच्चों एक दूसरे के प्रति मित्रता से, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबके साथ, जैसे प्रभु यीशु के शिष्य आपस में बात कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, तब प्रभु यीशु डांट कर उन्हें कहते हैं और समझाते हैं, बड़ा कोई नहीं होता जो ईश्वर की बातों के ऊपर चलता है, जो आपस में एक दूसरे के साथ में रहता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। इसलिए अपने आप को ख्रिस्ती है तो ख्रिस्त की तरह जीवन जीना है, छोटे या बड़े का भेदभाव नहीं रखना है। और प्यारे बच्चों अगला है, समानता और भाईचारे के साथ जीवन जीना है। कैसे? समानता और भाईचारे के साथ। और आखिरी में अपने शत्रुओं को क्षमा करना है। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उनके शत्रुओं को प्रभु यीशु मरते मरते माफ़ कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, हमारे भी कुछ शत्रु हो सकते हैं, हमारे भी कोई दुश्मन हो सकते हैं जो हमको पसंद नहीं करते होंगे। अगर हम ख्रिस्त राज्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, प्रभु यीशु के मूल्यों के ऊपर चलना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको अभी से दूसरों को क्षमा करने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप क्षमा करोगे तो आपको क्षमा मिलेगी। और क्षमा इसलिए करना है क्योंकि हमारे मुक्तिदाता, आराध्य और हमारे मार्गदर्शक प्रभु यीशु स्वयं ने दूसरों को क्षमा की, शत्रुओं को क्षमा की, और यह हमें भी हमारे जीवन में करना है। अब प्यारे बच्चों, हमको एक दूसरे इंसान को मानव गरिमा का जीवन जीने के लिए मदद करना है, किसी भी प्रकार का भेदभाव एक दूसरे के साथ नहीं करना है, समानता का जीवन जीना है, दयालुता का जीवन जीना है, एक दूसरे को क्षमा करते हुए अपना जीवन जीना है, एक दूसरे को प्रेम और प्यार करते हुए अपना जीवन जीना है, तभी हम नन्हे मुन्हे छोटे बच्चे प्रभु यीशु के सच्चे भक्त हो सकते हैं और इस राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, इस पाठ में आपको अपने घर में बाइबल होगी, उस बाइबल को अच्छे से पढ़ना। इस पाठ का पूरा सारांश इस संत मत्ती के अध्याय 5, संत मत्ती के अध्याय 5 में क्या है, पद संख्या 3 से लेकर, संत मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं,
उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। प्यारे बच्चों, इसके माध्यम से हम एक ख्रिस्त राज्य को अपने जीवन में, अपने संसार में, इस पृथ्वी पर स्थापित कर सकते हैं। आइए हम अब प्रश्नावली को हल करेंगे। आपने इस सेशन को अच्छे से सुना, आपने यह समझा कि किस प्रकार से हम इस राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। संत मत्ती का अध्याय 5 हमने पढ़ा, जो कि इस पूरे पाठ का मूल संदेश हमको देता है। और अब हम प्रश्नावली करेंगे। आपके पास, सबके पास किताब है प्यारे बच्चों, पृष्ठ संख्या 67। 67 में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? पहला प्रश्न है, प्रभु यीशु ने हमें ईश्वर के राज्य के प्राप्ति के लिए कौन कौन से साधन बताए हैं? इसका उत्तर यह है, प्रभु यीशु ने हमें ईश्वर के राज्य की प्राप्ति के लिए सबसे प्रेम करने, दयालुता का जीवन जीने, न्याय के लिए संघर्ष करने, मित्र भाव से जीवन यापन करने और दूसरों के साथ समानता और भाईचारा आदि से रहने के लिए हमें साधन सिखाए हैं और बताए हैं। प्रश्न 2, आप अपने परिवार में, विद्यालय में, गांव व शहर में दूसरों के साथ प्रेम और भाईचारे का जीवन जीने के लिए क्या करेंगे? इसका उत्तर यह है प्यारे बच्चों, हम अपने परिवार में, विद्यालय में, गांव और शहर में दूसरों के साथ प्रेम और भाईचारा का जीवन जीने के लिए हम हमारे बीच में भेदभाव को दूर करेंगे, सब लोगों का आदर करेंगे तथा मेल मिलाप के साथ अपना जीवन जिएंगे। प्रश्न 3, आप किस प्रकार के लोगों पर दया करेंगे? इसका उत्तर यह है प्यारे बच्चों, हम गरीबों, दुखी, शोषितों और पीड़ितों पर दया करेंगे। प्रश्न 4, आप अपने कक्षा में मित्र भाव का वातावरण बनाने के लिए क्या करेंगे? आप अपनी कक्षा में मित्र भाव का वातावरण बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका उत्तर यह है, हम अपनी कक्षा में मित्र भाव का वातावरण बनाने के लिए शांति के दूत बनेंगे। अपने बीच में फूट और भेदभाव की भावना को त्याग कर मेल मिलाप का जीवन जिएंगे तथा अपने साथी को प्यार और आदर करेंगे। प्रश्न 5, हमें दूसरों को क्षमा क्यों करना चाहिए? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, हमें दूसरों को इसलिए क्षमा करनी चाहिए क्योंकि स्वयं हमारे आराध्य मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने दूसरों को क्षमा प्रदान की, इसलिए हमें भी दूसरों को क्षमा प्रदान करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा अध्याय 13 यहीं पर समाप्त होता है। अब आप अपने घर में बैठकर इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना, और उसमें एक सूची है इस राज्य के मूल्यों की और उसके विपरीत मूल्यों की। आप इस राज्य के कौन से मूल्य हैं, और जब इस राज्य को आप स्थापना नहीं चाहते हो, इस राज्य की प्राप्ति नहीं करना चाहते हो, ख्रिस्त का जीवन जीना नहीं चाहते हो, तो फिर कौन से मूल्य होंगे समाज में, आप देखते हैं, उसको भी आप लिखने का प्रयास करना। और आप जब कभी भी आपको समय मिले, आप कोई भी एक निर्दय, एक सेवक का एक दृष्टांत लेकर आप एक अभिनय कर सकते हैं। कोई भी बच्चे को एक दृष्टांत, इस पाठ का एक सारांश निकाल करके आप एक नाटक लिख सकते हैं। और याद रखना प्यारे बच्चों, प्रभु के सच्चे शिष्य तभी बन पाओगे जब आप जन जन की सेवा करोगे। प्रभु के सच्चे शिष्य तभी बन पाओगे
जब हम सत्कर्म करेंगे, क्षमा करेंगे, दया करेंगे, इन बातों को आप अपने जीवन में आत्मसात करना और प्यारे बच्चों अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जीने का प्रयास करना। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबों को येशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।